नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज के वीडियो में हम बिहार बोर्ड के 10th के इंग्लिश एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। सिर्फ ग्रामर पार्ट को ही हम देखेंगे। तो ये है 2023 का। तो ग्रामर में हमारे लिए पहला पार्ट जो है, चूज द मोस्ट सुइटेबल प्रीपोजिशन। तो ये है 65 नंबर जो है, यहाँ पे हम देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस और क्वेश्चंस। तो सबसे पहले है आई गॉट योर पार्सल डैश ट्यूजडे, तो ये होगा ऑन। तो देखिए, जब डे होता है, मान लीजिए ट्यूसडे है, मंडे है, जो भी है, तो उन सब में ऑन यूज होगा। तो आई गॉट योर पार्सल ऑन ट्यूसडे। नेक्स्ट है आई एम वेरी प्राउड डैश माई सन, तो ये होगा ऑफ। ये तो बहुत ही कॉमन है, हम सुनने में ही आता है कि प्राउड ऑफ यू, तो प्राउड ऑफ होगा। उसके बाद है वी हैव मेड ऑल प्रिपरेशंस डैश द मैरिज, तो ये होगा फॉर। वी हैव मेड ऑल द प्रिपरेशंस फॉर द मैरिज। देयर आर कोकोनट ट्रीज डैश द रिवर, तो ये होगा अलोंग, यानी कि नदी के पास में कुछ नारियल के पेड़ हैं। दे आर वेरी ग्रेटफुल डैश योर काइंडनेस, तो इसका आंसर सिंपली होगा फॉर। दे आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस। देखिए, कुछ होते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉमन, मान लीजिए हम कोई नॉर्मल लाइन सुन रहे हैं इंग्लिश का, तो उसमें भी कई बार आ जाता है, तो ये कुछ ऐसा ही है। ही सैट डैश फॉर मी, तो ये होगा बिसाइड, यानी कि वो मेरे पास बैठा। ही सैट बिसाइड मी। ही इज डैश लीव टूडे, तो देखिए ये होगा ऑन। ही इज ऑन लीव टूडे, यानी कि वो आज छुट्टी पर है। नेक्स्ट है देखिए, चूज द मोस्ट सुइटेबल ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन है, देखिए वो कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग, ये होगा इसका आंसर। और क्वेश्चन मार्क आपको ध्यान से लगाना है। अमन पटना में रहता है, तो अमन लिव्स इन पटना, ये होगा इसका आंसर। देखिए ये जो है अमन लिव्स इन पटना, ये है बी नंबर ऑप्शन। सबसे पहले आपको बेसिक टेंस को ध्यान रखना है, तो पटना में रहता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो देखिए लिव्स होगा। 74 है, वो दो दिनों से बीमार है, तो इसका आंसर होगा ही हैज बीन सिक फॉर टू डेज। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू देम लेट अस वेट फॉर योर टीचर, तो ये एक नरेशन है, इसको क्या करेंगे देखिए। तो ये होगा ऑप्शन ए, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर देयर टीचर, तो उसने सुझाव दिया कि टीचर के लिए हमें वेट करना चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ शी सेड आई एम लीविंग फॉर दिल्ली, तो ये क्या होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच, देखिए ये होगा डी नंबर ऑप्शन, शी सेड दैट शी वॉज लीविंग फॉर दिल्ली। तो जैसे कि हमारा नॉर्मल रूल होता है नरेशन का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए शी सेड दैट शी वॉज लीविंग फॉर दिल्ली, यानी कि उन्होंने कहा कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ शी सेड टू मी स्टार्ट, तो देखिए इसका आंसर होगा शी आस्क मी टू स्टार्ट, यानी कि उन्होंने मुझे बोला कि शुरू करो। तो बोलना यानी कि एक तरीके से यहाँ पे पूछना, या फिर कह सकते हैं एक काइंड ऑफ ऑर्डर है, लेकिन एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं है, इसलिए शी आस्क होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द डायरेक्ट स्पीच ऑफ यू टोल्ड मी दैट आई वुड पास द एग्जामिनेशन, तो इसका क्या होगा देखिए, यू सेड टू मी यू विल पास द एग्जामिनेशन, ये है ऑप्शन ए, ये होगा करेक्ट, यानी कि तुमने मुझे कहा था कि तुम परीक्षा पास कर जाओगे। डायरेक्ट स्पीच ऑफ आई टोल्ड दैट ही वुड राइट अ लेटर, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये बहुत ही सिंपल सा है, आई सेड ही विल राइट अ लेटर, यानी कि मैंने बोला था कि वो एक चिट्ठी लिखेगा। डायरेक्ट स्पीच ऑफ द ओल्ड वुमन विश्ड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, तो ये भी बहुत सिंपल है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द ओल्ड वुमन सेड मे यू लिव लॉन्ग। उसके बाद देखिए हमारे पास एक्टिव वॉइस ऑफ बाय होम आर यू बींग बॉदर्ड, ये है, तो इसका आंसर सिंपली होगा हु इज बॉदरिंग यू, यानी कि कौन तुम्हें परेशान कर रहा है, जिसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो होगा कि तुम किसके द्वारा परेशान हो रहे हो, और यही तो है क्वेश्चन, यानी कि बाय होम आर यू बींग बॉदर्ड। एक्टिव वॉइस ऑफ इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो सिंपली इसका आंसर होगा पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये बहुत ही कॉमन है, आप बहुत पहले से इसे देख रहे हैं। एक्टिव वॉइस ऑफ इट इज टाइम फॉर द मैच टू बी स्टार्टेड, इसका क्या होगा आंसर देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इट इज टाइम टू स्टार्ट द मैच, यानी कि अभी मैच स्टार्ट करने का समय हो गया है। पैसिव वॉइस ऑफ हेना विल राइट द लेटर, तो इसका आंसर सिंपली होगा द लेटर विल बी रिटन बाय हेना, ऑप्शन नंबर डी। द पैसिव वॉइस ऑफ आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समवन हैज इनवाइटेड मी टू द पार्टी, यानी कि किसी ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया है, और इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा कि मैं किसी के द्वारा पार्टी में इनवाइटेड हूँ, या फिर मैं पार्टी में इनवाइटेड हूँ। पैसिव वॉइस ऑफ द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग हिम, तो ये क्या होगा देखिए, ही वॉज बींग एग्जामाइंड बाई द डॉक्टर, तो जैसे कि हमारा बेसिक रूल है देखिए, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूअस ही लगेगा, ही वॉज बींग एग्जामाइंड बाई द डॉक्टर। अब देखिए हमारे पास क्या है, करेक्ट वर्ड जो स्पेलिंग में है वो यूज करना है, यानी कि बताना है, तो इनमें से करेक्ट वर्ड होगा रिमेन्स, ऑप्शन बी, रिमेन यानी कि रहना बचना, तो ये रिमेन्स होगा। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए, इनमें ऑप्शन होगा सी, टेक्सचर, TEXURE, टेक्सचर यानी कि एक कोई स्ट्रक्चर कह सकते हैं ऐसा कुछ चीज। 89 नंबर है हमारे पास म्यूजिक
म्यूजिकल, यानी कि म्यूजिक जो है वो वर्ड से आता है म्यूजिकल, तो ऑप्शन बी। 90 है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ब्रीथ यानी कि सांस लेना। 91 है कर्व, यानी कि जो रेनबो जिस तरीके का होता है ना ऊपर से एकदम टेढ़ा सा, तो वो जो जिस तरीके से होता है तो उसे कहते हैं कर्व। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन ए होगा ये बिस्किट, BISCUIT। 93 है हमारे पास वायलेंट, VIOLENT। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए ऑयल एंड वाटर डैश नॉट मिक्स, तो ये होगा ऑप्शन डी डू, तो डू नॉट मिक्स। यहाँ पे डज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं, ऑयल एंड वाटर, अगर एक चीज होता तो डज हो जाता, तो ये होगा डू। नेक्स्ट है एवरीवन डैश दिस, तो यहाँ पे नोज होगा। देखिए कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है क्या एवरीवन, तो यहाँ पे जी हाँ, यहाँ पे आपको नोज देना है। एवरीवन अगर होगा तो ई एस लगाना है आपके मेन जो वर्ब है उसके पास। नेक्स्ट है राजू डैश हेयर यस्टरडे, तो जैसे कि आपको यस्टरडे से पता चल रहा होगा कि ये पास्ट टेंस है, तो सिंपली यहाँ पे पास्ट फॉर्म लगा दीजिएगा, यानी कि राजू केम हेयर यस्टरडे। तो देखिए यहाँ पे द न्यूज डैश अलार्मिंग है, तो ये होगा इज, द न्यूज इज अलार्मिंग। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि अलार्मिंग है तो इसको हम कैसे पकड़े, क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से पकड़े या फिर कुछ ऐसे पकड़े कि ये सचेत कर देने वाला है। तो सिंपली देखिए यहाँ पे हैव तो नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा, इज और वेयर में से ऐसा तो नहीं होगा द न्यूज वेयर अलार्मिंग, ये तो इम्पॉसिबल ही है, तो सिंपली इज लगेगा, द न्यूज इज अलार्मिंग। वी हैव नॉट डैश हिम फॉर अ ईयर, तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए हैव लगा है, और आपको पता ही होगा कि रूल के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें जो मेन वर्ब होता है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगता है, तो सी सॉ सिन, तो सिन लगेगा। ही डैश द पुअर यस्टरडे, तो ये होगा फेड यानी कि FED, तो उसने जो गरीब लोगों को खिलाया था कल, तो ये पास्ट टेंस होगा। शी डैश फ्रेंच वेरी वेल, तो शी स्पीक्स फ्रेंच वेरी वेल, यानी कि वो फ्रेंच बहुत अच्छा बोलती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए स्पीक्स होगा, शी स्पीक्स फ्रेंच वेरी वेल। तो ग्रामर हमारा यही तक था, बाकी जो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस है उनके बारे में आपको अलग से वीडियोस में मिल जाएंगे, आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। और आपको दूसरे कौन से चीज़ों के नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग ये सब है, मैं इनके ऊपर भी वीडियोस बनाता हूँ। पर्टिकुलर चैप्टर के अगर किसी आपको नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो मुझे बताइए ताकि मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाऊँ। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और मिलते दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।